तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर सिंपल सा मीनिंग जानना है तो किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या क्रिएट हो रहा है, चार्ज क्या है, वही चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बेसिक पॉइंट्स दिए थे, उसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट में दो तीन मैं तुम्हें बेसिक पॉइंट दे रहा हूं जिसको तुम ध्यान देना और उसके बेसिस पर हम ऑक्सीडेशन नंबर आज सीख लेंगे निकालना। तो बेसिक पॉइंट नंबर वन, बेसिक पॉइंट में ये जानना है कि किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होता है। कुछ एलिमेंट हम याद करके रखेंगे, जैसे मान लो अल्कली है, ग्रुप नंबर वन है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं ग्रुप नंबर वन है, हाइड्रोजन ह ली ना के रब से फरियाद। तो जो ग्रुप नंबर वन होता है उसके ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, ग्रुप नंबर वन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उसमें इसका हमें यूज पड़ेगा, तो तुम उस समय ढूंढने लगोगे किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है। तो याद रखना ग्रुप नंबर वन के ऊपर प्लस वन चार्ज होता है। अगर हम ग्रुप नंबर टू के बारे में बात करें, तो ग्रुप नंबर टू के ऊपर बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, ग्रुप नंबर टू के ऊपर प्लस टू चार्ज होता है, तो ग्रुप नंबर वन होल्ड प्लस वन चार्ज, ग्रुप नंबर टू होल्ड प्लस टू चार्ज, ठीक है। हाँ, अब ऋषभ ने पूछा कि प्लस वन का मतलब क्या है। देखो अब थोड़ा सा और आगे हम जाएंगे, अभी प्लस चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ, जैसे मान लो लिथियम सोडियम ले लो, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281 जो तुम पहले निकालते आ रहे हो, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज, वन इलेक्ट्रॉन कर देता है लूज। क्यों लूज कर देता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कंप्लीट ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो स्टेबल माना जाएगा कि वो स्टेबल इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई वो स्टेबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब सोचो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर चार्ज क्या क्रिएट होगा, प्लस वन क्रिएट होगा या नहीं होगा, कैसे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसे प्लस वन चार्ज क्रिएट होगा, कोई बताओ मेरे को, क्यों प्लस चार्ज वन क्यों क्रिएट होगा, प्लस वन चार्ज क्यों क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टाइम देखो क्यों होगा। मान लो सोडियम के पास जब ये एटम था तो इसके पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, हाँ बिल्कुल सही बोला थर्व ने, सीरियस बिल्कुल सही है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, बरोबर है, यानी 11 पॉजिटिव है और 11 निगेटिव है। तब तो ये न्यूट्रल था। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 11 प्रोटॉन हो गया। यहां पॉजिटिव और निगेटिव बराबर थे, अब यहां निगेटिव कम हो गया और पॉजिटिव ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया, इसीलिए सोडियम पे प्लस वन चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 10 निगेटिव से 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देगा और एक पॉजिटिव बच जाएगा, वही पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे कि एक चार्ज कैसे क्रिएट हुआ,
ठीक है, जब हम ऑक्टेट वगैरह की जानकारी देने लगेंगे तो बताऊंगा मैं कि ये सब चार्ज कैसे क्रिएट हुआ। अभी बस इतना जानो कि इनके ऊपर प्लस वन चार्ज हुआ, ठीक है, और इनके ऊपर प्लस टू चार्ज हुआ। अब आगे बात करते हैं हम, मान लो हमें हमारे पास आ गया सल्फेट आयन SO4-2, तो सल्फेट आयन पे आपको चार्ज लेना है, इसको बोलेंगे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन पे चार्ज -2 लेना है, ठीक है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं लेना है, सल्फेट आयन पे चार्ज हम -2 लेंगे। अगर नाइट्रेट आयन आ गया -1 लेंगे हम, इसको बोलेंगे नाइट्रेट आयन। तो अभी फिलहाल आयन्स पे कितना चार्ज लगा हुआ है उसको याद रखने का, ठीक है, चार्ज कैसे क्रिएट हुआ वो समय के साथ हम आगे बताएंगे। उसके बाद कार्बोनेट आयन्स CO3-2, तो कार्बोनेट आयन्स पे -2 चार्ज होगा। फॉस्फेट आयन्स -3, फॉस्फेट आयन्स इस पे -3 चार्ज होगा। अमोनियम NH4+, अमोनियम आयन्स पे +1 चार्ज होगा। साइनाइड CN-1, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन्स, फॉस्फेट आयन्स, अमोनियम, साइनाइड पे -1। ठीक है, और भी चार्ज आगे लिखवाऊंगा, नाइट्रेट आयन हो ही गया। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, इस पे चार्ज आपको लेना है -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो इन पे चार्ज आपको लेना है -1। ये चार्ज कैसे आ गया वो आगे हम डिस्कस करेंगे। चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम क्यों दिया गया, आगे अभी धीरे धीरे सब चीज समझाएंगे। अभी ये चार्ज के बारे में बस इतना ध्यान रखो कि चार्ज इतना चार्ज है। अगर मान लो कहीं आ गया आपका अमोनिया NH3, इसको बोलेंगे अमोनिया, तो अमोनिया पे चार्ज आपको 0 लेना है। अगर कहीं आ गया वाटर तो इस पे चार्ज 0 आपको लेना है। अगर कहीं आ गया NO, कहीं आ गया CO, तो ये सब न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल के वजह से आपको चार्ज 0 लेना है, चार्ज आपको 0 लेना है। अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, NO आ गया, CO आ गया, तो आपको चार्ज 0 लेना है। अभी मैं बोला हूं लेना है, बस इस पे ध्यान रखो कि लेना है, दे आर न्यूट्रल। तो इतना अभी लिखो, अभी और भी चार्ज लिखवाऊंगा। अब हम आते हैं, ये बेसिक पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चार्ज के बारे में आप याद रखोगे कि किस पर कितना चार्ज है, ये अभी इतना यूज होने वाला है। व्हाट इज द नंबर, वेंकटेश किसका नंबर, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इस पे चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल है ये सबने लिखा क्या, ये चार्ज सबके सबने लिखा। अच्छा, ये चार्ज कैसे क्रिएट हुआ कैसे नहीं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे बेसिक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
अब आते हैं सेकेंड बेसिक पॉइंट नंबर, सेकेंड बेसिक पॉइंट पे आते हैं, बेसिक पॉइंट नंबर टू, बेसिक पॉइंट नंबर टू। ठीक है, सब कुछ यहां पर मैं तुम्हें कोटा के सिस्टम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे चीजें जो कोटा के पद्धति है सिस्टम है वैसे चलेगा। तो बेसिक पॉइंट नंबर टू में हम पहले देखेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें दिया गया H2SO4 और नीचे अंडरलाइन कर दिया गया कि सल्फर का यानी सल्फ्यूरिक एसिड में, दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे चार्ज क्या होगा, यानी चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उसका, व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, व्हाट इज मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यानी H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, या नीचे अंडरलाइन करके दिया रहेगा। तो ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे। जिस एलिमेंट का हमसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो नीचे अंडरलाइन करके वो देगा, उस एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लेना है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि सर प्लस एक्स माने कि माइनस एक्स माने, तो इसमें हम प्लस एक्स मानेंगे। माइनस आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, हम नहीं उसमें माइनस लेंगे। ये नहीं कि सर ये तो माइनस आता है इसको तो माइनस लेना पड़ेगा। हमें कैसे मालूम है कि सल्फर का माइनस आएगा कि प्लस आएगा, हमें नहीं मालूम है, तो हम प्लस एक्स मानेंगे। ये बात सबको क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय जिस एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा उसको हम एक्स मानेंगे, प्लस एक्स मानेंगे, माइनस एक्स कोई नहीं मानेगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब अगर हम बात करें तो बाकी जो एटम होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे यहां ऑक्सीजन है और यहां सल्फर है, तो बाकी एटम पे आपको चार्ज लिखना है। बाकी एटम पे क्या लिखना है, चार्ज लिखना है। कैसे लिखोगे चार्ज, अब मुझे बताओ। मैं अभी अभी तुम्हें हाइड्रोजन पे लिखवाया था, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज लिखवाया था, हाइड्रोजन पे बेसिक पॉइंट नंबर वन में क्या चार्ज लिखवाया था, प्लस वन। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन पे मैंने चार्ज प्लस वन लिखवाया था और यहां पर हाइड्रोजन है दो, तो एक और हाइड्रोजन होगा, यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस टू। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस टू। तो हम यहां लिखेंगे प्लस टू। अच्छा, एक्स के पहले हमेशा प्लस लगा रहना चाहिए, माइनस कभी नहीं लिखोगे, ध्यान रखना चीज को। तो ये हमने चार्ज लिख दिया हाइड्रोजन के लिए। एक हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज होता है, दो हाइड्रोजन पे चार्ज निकालना है, या तो तुम टू से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोजन पे चार्ज लिख दिया। अब हमारा अब बारी है ऑक्सीजन पे चार्ज लिखने का। ठीक है, ऑक्सीजन का तो चार्ज मैंने लिखवाया ही नहीं, तो उस बॉक्स में बेसिक पॉइंट नंबर वन में एक और ऐड कर लेना। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस टू, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस टू, तुम पहले से जानते भी होगे। तो बेसिक पॉइंट नंबर वन में उसमें एक और जोड़ लेना, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस टू। अब ध्यान देना यहां पे,
एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और यहां पर चार ऑक्सीजन है तो इनटू लिख देंगे 4 है, तो कितना चार्ज हो जाएगा -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे चार -2 तो चार ऑक्सीजन पे -8। तो अब यहां पर डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर +8 लिखे कि -8 लिखे, तो हमारा आंसर ये है कि जो आएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, लेकिन सल्फर में +1 ही मानना है, उसमें माइनस प्लस का तुम्हें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि सर माइनस लू कि प्लस लू, बाकी जैसा है अगर एनायन है तो माइनस लिखो, केटायन है तो प्लस लिखो। ये यहां तक समझ में आया सबको, हमने कुछ किया नहीं, बस जिस एलिमेंट का निकालना था उसको हमने एक्स मान लिया, बाकी पे हमने चार्ज लिखा, केटायन है तो केटायन लिखा और एनायन है तो माइनस के साथ लिखा, ये हमने लिखना है, हर जो भी निकालना होगा वो ऐसे ही निकालेंगे। अब यहां पर हम इक्वल टू में 0 लिख देंगे। ये 0 क्यों लिखें? क्योंकि टोटल इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है, टोटल एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है, इसलिए हमने 0 लिखा। चार्ज होगा तो क्या करेंगे वो आगे हम बात करेंगे। अब यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? तो x यहां से हो जाएगा x और ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 8 में से 2 जाएगा तो -6 और यहां x हो जाएगा +6। तो यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो +6 हो गया, यानी सल्फर पे जो चार्ज हो गया वो +6 हो गया, लेकिन तुम ये मत समझना कि +6 का मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नहीं, मीनिंग और भी समझाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उसके शेयरिंग में आए हुए हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, अभी सब चीज एक साथ नहीं हो पाएगा, फिर कंफ्यूजन होने लगेगा, इसीलिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट पढ़ेंगे और धीरे धीरे समय के साथ हम उसको लिंक करते जाएंगे तो हमारा थॉट भी उसमें जुड़ता चला जाएगा, अदरवाइज सब कुछ एक साथ लिंक करोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्लियर क्लियर एक एक पॉइंट्स को समझना है। तो अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालने का तरीका मालूम हो गया? क्योंकि ये टाइप 1 हमने लिया है, अभी टाइप और लेंगे हम, ये ऐसा समझ में आया तो जल्दी से इसको फास्ट लिखो, अभी मैं टाइप 2 बता रहा हूं, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर नहीं आए तो बोलना मेरे से, तो इसको थोड़ा राइट डाउन करो जल्दी से, फिर हम टाइप 2 पे आते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 टाइप अलग अलग ले रहे हैं। ओके सर, हर बार एक्स, हाँ हर बार प्लस ही रहेगा, क्योंकि देखो माइनस आना होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस आना होगा तो प्लस आ जाएगा, हमें थोड़े मालूम है कि जिसका हम निकालने जा रहे हैं वो प्लस है कि माइनस है, तुम सोचो अपने मन से, तुम जिस एलिमेंट का अगर निकालने जा रहे हो तुम्हें मालूम है क्या कि उसका प्लस है कि माइनस है? आना होगा तो आ जाएगा, प्लस आना होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस आना होगा तो माइनस आ जाएगा, बराबर है क्या? लेकिन बाकी एलिमेंट पे चार्ज साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इक्वल टू में क्या लिखना है 0 अगर इसके ऊपर चार्ज रहा, कोई चार्ज नहीं है तो। चलो तो अभी टाइप वाई विल टेक माइनस इलेक्ट्रॉन, कुछ भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइनाइड का क्या है? साइनाइड का CN माइनस होता है, वो आगे सल्फेट का, सब अभी बताएंगे धीरे धीरे। चलो तो मुझे अब इस टाइप का एक दो मुझे क्वेश्चंस करके तुम बता दो ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम्हें समझ में आ गया है। तो अब मैं दो तीन क्वेश्चंस तुमसे पूछ रहा हूं, फिर टाइप 2 पे आएंगे। तो दो तीन क्वेश्चंस का आंसर दे दो मेरे को। H3PO4 में फास्फोरस का निकालना, मैं अंडरलाइन कर दूंगा तुम निकालोगे, ठीक है? HClO4 में आप निकालोगे क्लोरीन का, ठीक है? उसके बाद NO3 में आप निकालोगे नाइट्रोजन का, ठीक है? उसके बाद आप निकालोगे MgCl2 में Mg का निकालोगे,
और एक साथ आंसर लिख के भेजोगे तब मुझे रुचा रुचा एक साथ आंसर लिख के भेजो तब, क्योंकि सब भेज रहे हैं तो उसमें देखना मुश्किल हो जा रहा है, तो इसलिए बेटर ये रहेगा तुम क्लास में हो तो नहीं ना कि मैं वन बाय वन चेक करूं, तो मुझे एक साथ लिख के भेजो। ऋषभ प्लस फाइव एक साथ लिख के भेजो सारे। पूर्वा एस सी एल ओ फोर में प्लस सेवन रजत बिल्कुल सही है। रंजीत एस थ्री पी ओ फोर में पी का प्लस फाइव सही है। रजत प्लस सेवन प्लस फाइव ओके। और एक और भी है ना एम जी सी एल टू एच एन ओ थ्री गायत्री दो सही है। एम जी का टू एन का इनका प्लस माइनस नहीं होगा वहां पे, कौन है ऋषभ, ऋषभ प्लस में आएगा, माइनस तो किसी का नहीं आने वाला इसमें, सब प्लस में आएंगे। श्रेयस ऋषभ मितुल प्लस नाइन एस सी एल फोर का नाइन नहीं मितुल मलानी नाइन नहीं एस सी एल फोर का सेवन आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, आसान है निकालना। अब यहां पर जिसका निकालना है उसको मान लेंगे एक्स, ठीक है एक्स मान लिए। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस वन और यहां हाइड्रोजन है तीन, तो हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस थ्री लिख देंगे, इसके पहले प्लस ही रहना चाहिए। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस टू, अब सेंड करना बंद कर दो, इधर देख लो कंसंट्रेट करो इधर। ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस टू, चार ऑक्सीजन है माइनस एट है, हम इक्वल टू लिखेंगे जीरो। ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां से एक्स निकाल दोगे एक्स आ जाएगा प्लस फाइव, मैं डायरेक्ट लिख दिया, यानी फास्फोरस पे प्लस फाइव चार्ज होगा। ये प्लस फाइव का मतलब पांच इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, शेयरिंग में है। HClO4 का अगर हम देखें तो क्लोरीन का निकालना है, इसको हम पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड नाम भी धीरे धीरे याद करते चलना। ये फास्फोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जिसका हमें निकालना, हमने एक्स मान लिया। यहां हाइड्रोजन एक है तो इंटू वन यानी प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू होता है और चार ऑक्सीजन है तो माइनस एट हो जाएगा, इक्वल टू जीरो लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर मैं डायरेक्ट यहां लिखूं तो यहां एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस सेवन, यानी क्लोरीन पे चार्ज प्लस सेवन हो गया। प्लस सेवन का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि सात इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सात इलेक्ट्रॉन शेयर में है। नाइट्रोजन का यहां हम ले लेंगे एक्स, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे एक चार्ज होता है तो प्लस वन, ऑक्सीजन पे तीन है माइनस टू चार्ज होता है, तीन है तो माइनस सिक्स लिख देंगे, माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम बात करें यहां पर एक्स डायरेक्ट तो प्लस फाइव आ जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होगा।
HClO4 का नाम है परक्लोरिक एसिड। गोपाल मल्लू मालू पर क्लोरिक एसिड, तुम लोग को बोर्ड पे थोड़ा छोटा दिखता है, उसको मोबाइल को टर्न करके देखो। पर क्लोरिक एसिड MgCl2 तो निकालना आसान है, Mg का एक्स मान लेंगे, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, दो क्लोरीन है -2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +2। किसका सब सही है? बहुत जने का प्लस, लास्ट में कौन है? कौशिक प्लस 7, बिल्कुल सब सारे सही है। ओके रिया राठी ऑल करेक्ट, ओके नाइस, चलो ठीक है। तो आज DPP में इसके क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है, तुम लोग बनाओगे और पीडोरिक्ट वाला। तो ये लिख लिया होगे सर, सेकंड का कैलकुलेशन, कौन सा डाउट, डाउट भी है क्या इसमें? सेकंड का एक्स मानो माइनस, हाइड्रोजन का +1 और ये माइनस एट हो गया, कैलकुलेशन कर देंगे तो +7 आ जाएगा, दो रंग हो गया, ये हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और किसी का छूट भी गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम टाइप टू पे आते हैं, टाइप टू में और ये बहुत काम का चीज है, ध्यान रखना 11th के लिए, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल में भी आएगा ये, तो इसको बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है। टाइप टू में आते हैं, टाइप टू में हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K2Cr2O7, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ध्यान देना कैसे निकालेंगे, हमारे को निकालना है क्रोमियम का, मैं क्रोमियम को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, हमें निकालना है क्रोमियम का K2Cr2O7, हमें निकालना है क्रोमियम का। अब ध्यान देने वाला बात यह है, ध्यान से सुनना, कि जिस एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का यहां नंबर 2 है। इससे पहले वाला टाइप में हमने क्या देखा था? H2SO4 हमने देखा था, सल्फर का निकालना था, सल्फर एक ही था, लेकिन यहां क्रोमियम 2 है। तो अगर क्रोमियम 2 है तो हमें यहां पर 2x मानना पड़ेगा, और उसका रीजन ये है कि हम चार्ज एक क्लोरीन पे निकाल रहे हैं, इसीलिए क्रोमियम हम पर क्रोमियम पे निकालने के लिए हमने 2x माना है। अगर x मानेंगे तो दोनों क्लोरीन पे निकल जाएगा, तो 2x नहीं लेना भूलना है। यानी जिस एलिमेंट का अगर नंबर 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको आप 2x लिखोगे, 3x लिखोगे, 4x लिखोगे, अगर जैसा रहेगा वैसा। बाकी सब काम सेम टू सेम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा एज इट इज पहले चल रहा था वैसा ही आपको लेके चलाना है। कैसे? तो बताओ, पोटेशियम का चार्ज मैं बेसिक पॉइंट नंबर 1 पे लिखवाया था, पोटेशियम इज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 और इस पे चार्ज +1 होता है, लेकिन 2 पोटेशियम है तो आपको 2 लिखना है, +2 लिखना है। ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत हमने देख लिया, अब -2 चार्ज होता है और 7 ऑक्सीजन है, तो यहां हो जाएगा -14, तो माइनस के साथ आपको लिखना है -14। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल टू में 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना है, तो 2x इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -12 इक्वल टू 0, 2x ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 12/2, 6 आ जाएगा। यानी
हमें यहाँ क्रोमियम पे जो चार्ज निकला वो प्लस सिक्स निकला, ध्यान देना एक क्रोमियम पे प्लस सिक्स आया और हम एक ही पे निकालते हैं, तो वन क्रोमियम पे चार्ज आ गया प्लस सिक्स, तो क्रोमियम पे चार्ज प्लस सिक्स आ गया, इसका मतलब क्रोमियम यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा और वो शेयरिंग में होगा, वो जब केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें सिखाएंगे तब सब समझ में और आएगा डिटेल से, ठीक है, इसीलिए समय के साथ हम आगे सीखते जाएंगे। तो ये नोट डाउन कर लो, ये टाइप नंबर टू है। टाइप नंबर टू में ये हमने ध्यान दिया कि अगर वो एलिमेंट दो हो जाए जिसका हम निकाल रहे हैं, या तीन हो जाए या चार है, इसका एग्जाम्पल देंगे अभी, टाइप और पढ़ा लेता हूं फिर एग्जाम्पल देता हूं। अभी एग्जाम्पल देंगे, सर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है क्या कि पांच क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा? पांच क्रोमियम के साथ नहीं बोल सकता, एक और बना लो क्वेश्चन बनाओ। Al2SO4 होल थ्राइस, जल्दी से बताओ अल्मोनियम का, हाँ जितना एलिमेंट होगा उतना एक्स लेंगे, बिल्कुल सही अथर्व, जितना एलिमेंट होगा उतना एक्स लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें क्योंकि क्यों ले रहे हैं, सोचो क्यों ले रहे हैं, हम एक पे निकाल रहे हैं ना, पर क्रोमियम पे निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी टेक ऋषभ गावले, सही है, अभिजीत सही है, ऋषभ श्रेयस पाटिल सही है, रिया राठी सही है, रजत रजत ये क्या कर दिए 15 गलत है, संजीवनी गलत है, खोट सही है, जेब्बा सही है, नेहा राठौर सही है, युवराज देवश्री सही है, साक्षी सही है, थाटे गायत्री माने सही है, ऋषभ प्रसवार विवेक के समीक्षा गलत है, तो कैसे निकालेंगे? अब हमें अल्मोनियम का निकालना है और अल्मोनियम है 2, तो जितना है उतना एक्स मान लेंगे, 2x मान लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे कि सल्फर SO4 को हम अलग अलग चार्ज नहीं लेंगे, कि सल्फर का अलग लेंगे और ऑक्सीजन का अलग लेंगे, नहीं, तुम्हें इसीलिए तो बेसिक पॉइंट नंबर 1 में लिखवाया था मैंने कि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो आपको एक साथ लेना है सल्फेट के ऊपर, ये नहीं कि अलग अलग नहीं लेना है कि सर सल्फर पे ले लो और फिर ऑक्सीजन पे ले लो अलग अलग, नहीं, सल्फेट पे -2 चार्ज लेना है, तो यहां पर एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो 3 सल्फेट है तो हो जाएगा -6, एक सल्फेट पे -2 होता है 3 सल्फेट, क्योंकि होल थ्राइस है ये SO4 होल थ्राइस है ये, तो 3 सल्फेट हो जाएगा -6, तो -6 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, यहां से x इक्वल टू निकाल देंगे +3 हो जाएगा। बातें हो गई क्लियर? चलो एक और बना लो, Fe2SO4 होल थ्राइस, आयरन का निकालना है, सेपरेट यूज क्यों करोगे काले आदित्य, काले सेपरेट यूज क्यों करोगे SO4, उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बनाने की रिक्वायरमेंट है, सिंपल सा SO4 तो हम कॉम्प्लेक्स क्यों बनाएंगे, बिल्कुल सही है, बहुत जनों ने आंसर भेजा भी है, करेक्ट है, आयरन का निकालना है तो जिसका निकालना है 2x मान लेंगे, सल्फेट पे चार्ज होता है -2 इन पे, और ये सल्फेट है 3, तो -6 इक्वल टू 0, x हो गया +3,
एक्स हो गया प्लस थ्री, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो एक और। Na2CO3.10H2O, एक इसका फॉर्मूला है, तुम लोग 10th में पढ़ के आए होगे इस फॉर्मूले को, Na2CO3.10H2O में कार्बन का निकालना है वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा निर्मा, दाग अच्छे हैं, सब धूल देता है। तो बताओ वॉशिंग सोडा में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? गायत्री कैंसर आया, करेक्ट होगा। गोपाल का आया, अनन्या का आया, अनन्या पांडे, अनन्या पाटिल, रामानुज, देवश्री, रिया राठी, करेक्ट है, प्लस फोर आएगा। देखो जिसका निकालना है उसका एक्स मान लेंगे। अच्छा ये सब निकाल क्यों रहे, आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। एक्स सोडियम है, यहां पर सोडियम पे प्लस वन चार्ज होता है और सोडियम है दो, तो प्लस टू लिख देंगे। कहीं माइनस टू आएगा तो यहां मत माइनस लिख देना, ये हमेशा प्लस रहेगा। ऑक्सीजन है, इसको अलग लेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन है माइनस टू और तीन है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स लिखेंगे। वाटर पे बेसिक पॉइंट नंबर वन में देखे होगे, वाटर पे मैंने जीरो लिखवाया था, वाटर सीओ एनओ, सर कार्बन का कैसे फाइंड आउट कर सकते, कर सकते हैं सब सारे एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। CO3 नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है, ये कार्बन इनके साथ कंबाइंड है। वो धीरे धीरे आगे चल के बताएंगे कैसे इनमें बॉन्ड बना हुआ, आयनिक है, कोवैलेंट है, सब बताएंगे। वाटर पे हमें लेना है जीरो और इक्वल टू लिखेंगे जीरो, यहां से एक्स को सोल्व कर देंगे और एक्स आ जाएगा प्लस फोर, एक्स इक्वल टू प्लस फोर, यानी कार्बन पे यहाँ चार्ज आ गया प्लस फोर। यानी कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है कि उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, मतलब उस पर चार्ज क्रिएट होना ही होना है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिस पर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, वो आगे हम बात करेंगे। चलो टाइप नंबर थ्री, क्योंकि मैं डीपीपी देने वाला हूं तो टाइप थ्री भी बता दे रहा हूं, तो टाइप थ्री में आते हैं। बाकी डीपीपी का क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लूंगा मैं, ये हो गया ना, ये सबने राइट डाउन किया होगा। अब आते हैं टाइप थ्री पे। टाइप थ्री में फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ चार्ज, सॉरी आयंस के लिए, आयंस के लिए यानी केटायन हो या एनायन हो, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। हमें बोल दिया गया कि सल्फेट आयन में, सल्फेट आयन्स में ध्यान से समझना, सल्फेट आयन्स में हमें बोल दिया गया कि सल्फर का निकालो, सल्फेट आयन्स में सल्फर का निकालो। एलिमेंट विद डिफरेंट कंपाउंड है, डिफरेंट चार्ज ऑफ कंपाउंड, वो कंपाउंड जैसा जैसा वो बॉन्ड बनाएगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज वैरी होता जाएगा, वो सब हम बात करेंगे अभी। अभी तुम निकालने के ऊपर फोकस करो। तो यहां पर सल्फर SO4 माइनस टू में हम सल्फर पे निकालेंगे, कैसे? सल्फर का मान लेंगे X, आवाज नहीं आ रहा है क्या क्लियर सबको? आवाज आ रही है सबको? चलो
सल्फर का मान लेंगे X, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके बारे में भी भूल जाओ, भूल गए, इतना जल्दी भूलते क्या हो, ये इसके ऊपर चार्ज माइनस टू है, उसके बारे में तुम्हें भूल जाना है। अभी ऑक्सीजन के बारे में सोचो, सोच रहे हो ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन है चार है, तो ये हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट, माइनस एट। अब जिसके तुम भूल गए थे उसको तुम याद करो, याद कर रहे हो। अब यहां इक्वल टू में जीरो हम नहीं लिखेंगे, इक्वल टू में अब हम जीरो नहीं लिखेंगे। अगर उस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है तो वो चार्ज साइन के साथ लिखना है। मैं क्या बोला, अगर कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज लगा है तो चार्ज को साइन के साथ लिखना है। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लैग हो रहा है क्या आवाज? चलो ठीक है। तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, हम तो एक मान ही लिए, SO4 सॉरी ऑक्सीजन चार है तो केवल ऑक्सीजन के बारे में सोचना है, तो माइनस एट इक्वल टू में अब जीरो नहीं लिखना है। किसको एक्सप्लेन करूं फिर से, इसी को ना, इक्वल टू में आपको माइनस टू नहीं लिखना है। दस बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो यहां पे सल्फर का निकालना है, हमने एक मान लिया, इसके बारे में भूल जाओ, भूल गए, चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज, चार ऑक्सीजन पे माइनस एट चार्ज, क्लियर। अब माइनस एट लिख दो यहां पे। अब जो इसके ऊपर जो तुम चार्ज लगा हुआ है वो चार्ज इक्वल टू में जाएगा, यानी आयंस के ऊपर जो चार्ज लगा रहेगा वो इक्वल टू में जाएगा। माइनस होगा तो माइनस के साथ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस के साथ जाएगा। अभी तक जो टाइप वन और टाइप टू हमने बताया उसमें कहीं पर चार्ज नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम इक्वल टू में जीरो लिख रहे थे। अगर चार्ज लगा होगा तो हम इक्वल टू में वही वाला चार्ज साइन के साथ लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया या नहीं? सोम महाजन रजत पीयूष, किसी को डाउट है तो बोलो। चलो अब इसको सोल्व कर देंगे, तो ये इधर जाएगा x इक्वल टू माइनस टू और ये जाएगा तो प्लस एट हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस सिक्स, इसका मतलब सल्फर पे चार्ज प्लस सिक्स आएगा। तो अब आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि चार्ज है तो इक्वल टू में जीरो नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस पे दो क्वेश्चंस अभी दे रहा हूं और जल्दी से मुझे बताओ, अभी टाइप थ्री में टाइप फोर टाइप फाइव भी सिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी सिखाएंगे, तो जल्दी से बताओ CO3 माइनस टू में कार्बन का बताओ, उसके अलावा NO3 माइनस वन में नाइट्रोजन का बताओ, Cr2O7 माइनस टू में क्रोमियम का बताओ, और एक साथ लिख के भेजना। ओके ठीक है, न्यूट्रल को इक्वल टू जीरो आएगा, हाँ न्यूट्रल में हमेशा इक्वल टू जीरो लिखना है। न्यूट्रल कोई कंसेप्ट समझो ना, जब उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे उस पर इक्वल टू, इनके ऊपर चार्ज है तो इक्वल टू में वो जाएगा, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो लिखेंगे। समझ में आएगा अभिजीत, रामानुज प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, चिंतामणि, आदित्य, पूर्वा, चौगुले, गोपाल मालू, गोपाल मालू सारे आंसर भेजो। भूमिका, इसमें तो सब हो तुम लोग, भूमिका चावला, अनन्या पांडे, रिया राठी, निमिष, युवराज भी है इसमें, वाओ, त्रिशा, ये प्लस एट किसका आ गया, राज साद्रा, गलत है, प्लस एट नहीं आएगा, निशा,
इकोनॉमी क्रोमियम प्लस सिक्स। चलो ट्राई कर लियो तो मेरे साथ क्रॉस चेक करो और मैं एक डीपीपी भेजूंगा अभी तैयार करके। देखो कैसे बनाएंगे, कार्बन का एक्स मान लेंगे, इसके बारे में चार्ज के ऊपर के बारे में भूल जाना है। तीन ऑक्सीजन है तो माइनस सिक्स लिखेंगे, इक्वल टू माइनस टू लिख देंगे, टू नहीं लिखेंगे माइनस टू लिखेंगे, यानी जो इसके ऊपर चार्ज लगा होगा वो इक्वल टू में जाएगा, जो चार्ज लगा होगा तो इक्वल टू में जाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं लगा है तो जीरो जाएगा। एक्स इक्वल टू आ गया प्लस फोर, यानी कार्बन होल्ड प्लस फोर। नाइट्रोजन का निकालेंगे, एक्स तीन ऑक्सीजन है तो माइनस सिक्स, इक्वल टू में ये चार्ज जाएगा माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव आ गया। और यहां पर देखो दो है तो ये हम टाइप टू को भी मिक्स कर दिए, दो है तो टू एक्स मानेंगे। सात ऑक्सीजन है तो माइनस फोर्टीन, इक्वल टू में जाएगा माइनस टू, इसको सोल्व कर दोगे एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सेशन एंड हो गया, कल मैं इसको आगे, अभी टाइप थ्री बताया, टाइप फोर और टाइप फाइव कल बताऊंगा। हाँ किसका सही हुआ सब, ओके दिव्य श्री, टू एन टू एसओ फोर दिया जाएगा तो क्या करेंगे उसके, वो टू यहाँ दो रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो फॉर्मूला एन ए टू एसओ फोर, एन एसओ फोर या एन ओ इसका भी है, ठीक है ओके। तो मैं सबको समझ में आ गया, थैंक्स टू ऑल, कल कंटिन्यू करें।